दोस्तों, द हिंदू समाचार पत्र यूपीएससी की तैयारी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, किंतु यह भी सच है कि आप अपना सारा कीमती समय केवल अखबार पढ़कर नहीं बिता सकते। जो लोग परीक्षा पैटर्न से अवगत हैं, वे नए एस्पिरेंट्स की तुलना में इस अखबार को पढ़ने में ज्यादा समय नहीं लगाते हैं। आज की वीडियो में हम आपको वह मुख्य बिंदु बताएंगे जिनको फॉलो कर आप द हिंदू न्यूज़पेपर को एक घंटे से भी कम समय में पढ़ पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो से। नंबर एक, यूपीएससी के सिलेबस को जाने। यूपीएससी के सिलेबस को अच्छी तरह से पढ़े, क्योंकि इससे आपको अखबार में दिए गए नॉन इम्पॉर्टेंट न्यूज और इम्पॉर्टेंट न्यूज के बीच में फर्क करने में मदद मिलेगी। नंबर दो, राजनीतिक समाचारों पर ध्यान केंद्रित ना करें। अपना ध्यान राजनीतिक समाचारों या टिप्पणियों पर ना लगाएं। स्थानीय राजनीतिक समाचारों को पढ़ने से एग्जाम की तैयारी का कोई भी उद्देश्य पूरा नहीं होता है। नंबर तीन, सामाजिक एवं आर्थिक समाचार पर ध्यान दें। समाज के कमजोर वर्गों को प्रभावित करने वाली न्यूज, जैसे कि महिलाओं के मुद्दे, शैक्षिक मुद्दे, स्वास्थ्य के मुद्दे या उनसे जुड़ी नीतियों को पढ़ना महत्वपूर्ण है। नंबर चार, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों को पढ़े। आपको उन सभी समाचारों को पढ़ना चाहिए जो कि राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय महत्व के होते हैं। आपको विधायिक और प्रशासनिक प्रक्रियाओं और संविधान से संबंधित राजनीतिक मुद्दों पर ध्यान ज्यादा देना चाहिए। नंबर पाँच, पुरस्कार और खेल की खबरों पर देख कमजोर। इन वर्गों की सुर्खियों पर एक नजर डालें, उससे ज्यादा कुछ नहीं। नंबर छह, बुनियादी कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश ना करें। द हिंदू के लेखों को बेहतर ढंग से समझने में सक्षम होने के लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स की कुछ समझ होना जरूरी है। अखबार को पढ़ते हुए बुनियादी अवधारणाओं को जानने की कोशिश करना समय की बर्बादी है। इससे बेहतर यह होगा कि आप टेक्स्ट बुक पढ़ करके अपनी बुनियादी अवधारणाएं क्लियर करें और उसी के बाद अखबार पढ़ें, ताकि आप अखबार में दी गई न्यूज़ को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाए। नंबर सात, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर ध्यान दें। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अक्सर इन फैसलों पर जुड़े सवाल सीधे सीधे परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा इन फैसलों के दम पर आप अपनी आंसर राइटिंग को और भी बेहतर बना सकते हैं। नंबर आठ, संपादकीय जरूर पढ़े। यह समाचार पत्र का सबसे महत्वपूर्ण खंड होता है। इस खंड को पढ़ते समय आपके हाथ में एक कलम या पेंसिल होनी चाहिए, ताकि आप हर विशिष्ट जानकारी को रेखांकित कर सके। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अंत में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।